आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सहित अन्य राजनीतिक संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। दोषियों पर कार्यवाही तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग। लखीमपुर खीरी में हुई घटना और प्रियंका गांधी वाड्रा के गिरफ्तारी के विरोध में तथा उनकी तत्काल रिहाई सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने कचहरी चौक पर किया रास्ता जाम। फंसे कई एम्बुलेंस। घटना के पीड़ित किसानों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग। जिला अस्पताल के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों से अनाधिकृत वसूली की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी सिटी ने कहा, जिला अस्पताल के बाहर नो पार्किंग में खड़े एम्बुलेंस का किया गया है चालान। मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है जांच, होगी कार्रवाई। जिला अस्पताल सहित जनपद में 162 केंद्रों पर चला वैक्सीनेशन का महाअभियान लगाया गया। कुल 51,003 लोगों को कोरोना रोधी टीका। फर्स्ट डोज लेने वालों में 29,356 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 21,647 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज, रहें सुरक्षित। जनपद स्तरीय अप्रेंटिसशिप मेले का सांसद कमलेश पासवान ने किया उद्घाटन। 42 कंपनियों ने 193 स्टूडेंट्स को किया सेलेक्ट। सांसद ने कहा, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, बनेंगे आत्मनिर्भर। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत बुधवार को जनपद के 18 थानों पर लगाया जाएगा चौपाल। राजपत्रित अधिकारी सुनेंगे जनता की फरियाद, समस्या का मौके पर होगा निस्तारण। गोरखपुर में सोमवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,418। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और नगर निगम में शामिल रानीबाग बड़को तथा पथरा न्यू कॉलोनी में जल जमाव से परेशान नागरिकों ने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। जल निकासी की मांग।